पहले बच्चों, कैसे हो? आई होप यू आर वेल। चलो बेटा, आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट है क्लास फोर्थ के लिए इंग्लिश की वर्कशीट, सातवें सेक्शन को के 49। डेट है 18/8/2021। स्टूडेंट अपना नाम और अपने टीचर्स का। गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, होप यू आर इन्जॉइंग द रेनी सीजन। डू यू नाउ दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी इंसेक्ट्स कैन बी सीन अराउंड अस। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो केयरफुली एंड आइडेंटिफाई एनी फोर इंसेक्ट्स, राइट देयर नेम्स। देखो बेटा, यहाँ ना रेनी सीजन में आपने देखा होगा बहुत सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं। देखते हैं हम रेनी सीजन में, हमें उनको देखने कुछ पिक्चर्स दी गई है, इसमें हमें बताना रेनी सीजन में कौन कौन से हमारे जो इंसेक्ट्स हैं वो होते हैं। जैसे सबसे क्या है, ड्रैगन फ्लाई, यह होते हैं ड्रैगन फ्लाई, और कौन से होते हैं आंट्स, ठीक है। और देखने को क्या मिलते हैं हमें, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई, ठीक है। और हमें क्या देखने को मिलता है, लेडी बर्ड, लेडी बर्ड, ठीक है बेटा। ये हमें दिखाई देते हैं रेनी सीजन्स में, हमें फोरे लिखने हैं, ठीक है, इसलिए हमें ये रेनी सीजन में। वैसे कैटरपिलर भी और बटरफ्लाई भी होते हैं, ठीक है। ये हमारे अराउंडर्स होते हैं, जैसे कैटरपिलर भी, बटरफ्लाई भी, ये सारे हमारे जो रेनी सीजन में मिलते हैं। अधिक चिल्ड्रन, अब मैं इसको एक बार रफ कर देती हूँ ताकि हमारा इजीली हो जाए। आप देखते हैं चिल्ड्रन, दिस इज़ अ सीज़न, मैं लेडी बग यहाँ ले देती हूँ, लेडी बग। मैनी वाटर बॉर्न डिसीज लाइक दिस, क्या है चिल्ड्रन, दिस इज़ अ सीज़न वैन मैनी वाटर बॉर्न डिसीज लाइक द टाइफॉइड, डायरिया एसेट्रा अकॉर्ड्स। वी कैन नीड टू टेक प्रिकॉशन टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी, टू रिमेंबर कीप द एरिया अराउंड अस हाउस क्लीन, डू नॉट अलाउ वाटर टू क्लट इन पैंस, पॉट्स एक्सेट्रा, एंड द सेग्नेट वाटर इज द ब्रीडिंग एरिया ऑफ इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज। Eat healthy and keep your drinking water covered. Discuss with your elders, think we should be stay healthy and fit in the rainy season. बेटा आपको पता है रेनी सीजन में हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, ठीक है। उसमें बीमारियाँ हमारे किस रीज़न से होते हैं, इसलिए हमें आपको हेल्दी रखने की, कीप आवर सेल्फ हेल्दी, हमें अपना हेल्दी रखने के लिए प्रिस्क्रिप्शन जो होता है प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जैसे कि हमें अपने जो एरिया होता है बारिश में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, बस समय समय पर उसे खाली करते रहना चाहिए, घर को क्लीन रखना चाहिए, अपने आस पास को भी क्लीन रखना चाहिए जिससे मॉस्किटोज नहीं हो, क्योंकि मॉस्किटोज से बहुत से डेंगू की बीमारियाँ हो जाती है, ठीक है। बहुत सारी और बीमारियाँ भी, चिकनगुनिया, कई चीज़ें भी बीमारी ऐसी बन जाती है जो मच्छर काटने से हो जाती है। तो इसके लिए हमें राइट थ्री थिंग्स कैन यू डू द स्टे हेल्दी इन द रेनी सीजन। आपने रेनी सीजन में ऐसे कोई तीन चीज़ें बताइए जो हमें हेल्दी के लिए सीज़न में हमें यूज़ होना करना चाहिए। आर योर नोटबुक एंड शेयर दैम विद योर टीचर्स, अपने साथ टीचर्स साथ साझा कीजिए। हमें कैसे तीन चीज़ ऐसे जो हमें स्टे हेल्दी बना सकती है, ऐसे तीन चीज़ें बताइए। जैसे अवॉइड रेनी सीजन में सबसे पहले लिख देते हैं हम, एक मिनट, सबसे पहले हमें करेंगे अवॉइड स्पाइसी फूड। हमें ना रेनी सीजन में अवॉइड स्पाइसी फूड, हमें स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, ठीक है। यूज़ मॉस्किटो क्या है, रेपेलेंट यूज़ करनी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए। नंबर टू है ये नंबर वन है, ठीक है बेटा। अब थ्री लिखते हैं, अब हमें थ्री में क्या करना चाहिए, ठीक है, अब थ्री में लिखते हैं बेटा हम, मेंटेन आप इसको थोड़ा सा कर देते हैं, क्या करेंगे, मेंटेन, ठीक है, मेंटेन ए गुड पर्सनल
पर्सनल है हाइजीन, ठीक है। ये हमारा थर्ड है कि मेंटेन ए गुड पर्सनल हाइजीन, हमें अपने मेंटेन पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन रखनी चाहिए। चलो बेटा ऐसे हमारी ये कंप्लीट है। आप देखते हैं आगे क्या है। आप देखते हैं बेटा टॉक टाइम। डियर चिल्ड्रन लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली। व्हाट डू यू थिंक द पीपल इन द पिक्चर आर टॉकिंग अबाउट। इमेजिन एंड क्रिएट देयर डायलॉग्स। से देम आउट लाउड एंड राइट देम इन योर नोटबुक। यू मे बी टेक हेल्प ऑफ योर एल्डर्स टू। ठीक है बेटा, यहाँ पर टॉक टाइम है कि यहाँ पर दो मैन आपस में क्या टॉकिंग कर रहे हैं। जैसे एक चोर है, चोरी करने आया है तो उसको बचाने के लिए वो दूसरा चिल्ला रहा है नहीं चोर करना। ऐसे जो भी है आपने इमेजिन करना है अपने बड़ों की हेल्प से और उसको कॉपी में नोट डाउन करना है। भाव के सुझाव बच्चों से बारिश के मौसम में होने वाली बीमारियों कौन से अपने आप को सुरक्षित रहने के तरीकों के बारे में चर्चा कीजिए। COVID-19 से रेड मैसेज की मैंटी फिजिकल डिस्टेंस 6 फीट 2 या 2 गज की दूरी हमें बनाकर रखनी चाहिए। चलो बेटा आज के वर्कशीट फिनिश होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। बाय बाय।